वेलकम ऑल, दिस साइड आकाश वर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज सेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज सेट, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट एंड हाउ टू राइट सबसेट ऑफ सेट, पावर सेट एंड वेन डायग्राम एंड रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। तो ये हमारे पास आउटलाइन है जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वन बाय वन करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सेट आया कैसे, इसको डिस्कवर किसने किया। तो सेट को डिस्कवर करने वाले मैथमेटिशियन हैं वो जॉर्ज कैंटर है। जॉर्ज कैंटर ने किस तरीके से इसको डिस्कवर किया, तो जब इंफिनिटी सीरीज लिखने की बारी आती है ना, तो नेचुरल नंबर भी इंफिनिटी होते हैं, होल नंबर भी इंफिनिटी होते हैं, प्राइम नंबर भी इंफिनिटी होते हैं, रियल नंबर इंफिनिटी होते हैं, रेशनल नंबर इंफिनिटी होते हैं, इरेशनल इंफिनिटी होते हैं, है ना। तो इनका रिप्रेजेंटेशन करना था, है ना। तो सेट्स को एक मेंबरशिप की तरह, कि मेंबर्स, सेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है। तो वो मेंबर्स, उसका मेंबर कब होगा इसको डिफाइन करना होता है। तो उसको जब हमने ये डिफाइन कर दिया कि ये जो एक्स एलिमेंट है इस ग्रुप का मेंबर है, तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे उस ग्रुप के, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे सेट। तो जॉर्ज कैंटर ने पहले ये बताया, फिर उसके बाद उसको थोड़ा और डिस्क्राइब किया गया, तो फिर इसको बहुत सिंप्लीफाई किया गया। और जहां ओरिजिन होता है मैथमेटिक्स का, वो फर्स्ट टॉपिक है आपका सेट ऑफ थ्योरी। सेट थ्योरी वो बेसिक टॉपिक है मैथ्स का, जहां से बाकी के टॉपिक्स का ओरिजिन होता है। जैसे हम बात करें रिलेशन की या बात करें फंक्शन की, फिर उसके बाद बात करें डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की यानी कैलकुलस पार्ट की, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है और बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो सेट थ्योरी को बिलोंग करते हैं। तो अगर हमें सेट थ्योरी अच्छे से आती है, तो ये बाकी सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि सेट थ्योरी के जो भी बेसिक्स हैं उसको अच्छे से करें। वो बेसिक्स करने के बाद हम उस पर बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस स्क्रीन पर रहेंगे, आप स्क्रीन पर देखकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चंस दें, ताकि आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। और ये क्वेश्चन आपको सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम में काम न आकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम में आए, हम इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करने वाले हैं। और वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैथ्स बाय आकाश वर्मा व्हाट्सएप चैनल है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप मैथ्स बाय आकाश वर्मा चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सेट। तो सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हमने कलेक्शन बोल दिया और ये बोला कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जैसे मैं ये बात करूं, नंबर ऑफ इंटेलिजेंट पीपल इन इंडिया, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसका कोई प्री डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, है ना। यानी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो जब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो क्या ये सेट होगा? देन आंसर होगा नहीं। तो फिर कौन सा सेट, कौन सा कलेक्शन सेट होगा, और किस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कहेंगे और जिसे हम सेट कह पाए। तो जैसे हम बोले कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, तो हमें पता है कि एक साल में सिर्फ 12 मंथ होते हैं और ये फिक्स होते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो इस कलेक्शन ऑफ मंथ को हम कहेंगे कि ये एक सेट है। क्या हम कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट इन इंग्लिश बोल सकते हैं कि सेट है? तो आंसर होगा यस, क्योंकि देयर आर ओनली 26 अल्फाबेट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या हम ये बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश? तो ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स हैं जो वॉवेल्स हैं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जिसका कलेक्शन सेट कहलाएगा। और ऐसे कई सारे नंबर्स हैं जिनका कलेक्शन सेट होता है, जो प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर वो सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे जीरो की तरफ आएंगे, फिर जीरो से मूव करेंगे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी अप टू इंफिनिटी की तरफ। तो इसको हम जब सो करेंगे, तो हम डेज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं,
अब रियल नंबर को हमें शो करना है तो हम ऐसे डैश से करेंगे, ये माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर अप टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो नंबर पैटर्न है ये रियल नंबर का है। इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे हम आर से करेंगे। फिर हम अगर बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और अप टू इंफिनिटी तक होते हैं। तो ये स्टार्ट वन से हो रहा है और अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट हम एन से करते हैं। फिर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर काउंटिंग नंबर होता है इंक्लूडिंग जीरो, तो ये स्टार्ट होता है जीरो से और अप टू इंफिनिटी तक जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डब्ल्यू का यूज करते हैं। तो टिल नाउ वी हैव सीन रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही फिर हमारे पास आता है इंटीजर, फिर हमारे पास आता है इंटीजर। तो इंटीजर वो होते हैं जो नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं, और जीरो को भी एक इंटीजर हम बोलते हैं। यानी कंप्लीट नंबर जितने भी होते हैं चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो किसकी किस में काउंट होंगे, इंटीजर में काउंट होंगे। तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, ये भी माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होंगे आपको इंफिनिटी तक जाएंगे। जो रियल नंबर है यूनिवर्सल सेट है। जैसे हम कहें कि हमारा जो अर्थ है एक प्लेनेट है ना, तो ये एक सौर मंडल का एक पार्ट है। तो सौर मंडल यहां पर क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, और अर्थ क्या हो गया, इसमें नेचुरल नंबर हो गया है ना, यानी उसका एक पार्ट है। तो ऐसे ही रियल नंबर एक यूनिवर्सल सेट है जिसके पार्ट है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से, और कहीं पर कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जर्मनी में जेड मीन्स कुछ वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है इंटीजर, इसलिए उसको जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बारी आती है रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से। और इरेशनल नंबर की बात आएगी तो इससे हम इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू डैश से। तो अभी हमने सिर्फ ये बात करी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। अब हम बात करेंगे कि सेट को किस तरीके से लिखा जाता है, सेट को लिखने का क्या तरीका है। अभी हमने सिर्फ एक पैटर्न देख लिया, एक्चुअली में इसको लिखा कैसे जाता है ये हम देखेंगे। क्लियर है, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इरेशनल नंबर को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम यहां पर देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। तो पहले मैं ये बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट यानी उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, लिखने का क्या तरीका होगा। जो सिंटैक्स होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऐसे सेट को भी लिखने का एक फॉर्मेट होता है, तो वो फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। तो सेट को लिखने के लिए हम जो अल्फाबेट यूज करते हैं वो कैपिटल लेटर्स करते हैं। तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एलिमेंट्स को इसको लिखा दो तरीके से जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट जो होता है दो तरीके से होता है, एक होता है टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम सबसे पहले टेबुलर फॉर्म की बात कर लेते हैं कि इसमें जो सेट को डिस्क्राइब किया जाता है एलिमेंट्स को लिस्टिंग कर देते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे ए कोई सेट है कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स का, तो ये एलिमेंट्स हो गए ए ई आई और यू, इनको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज किया है। तो ये हमारा पूरा सेट बन गया है। और ये कौन सा फॉर्म है, तो ये हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के केस में हम एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिस्ट करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म की बात आएगी तो सेट बिल्डर फॉर्म के केस में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको कोई सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया जाएगा और क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू
write the set builder form of the given set. तो टेबलर फॉर्म आपको गिवन है यहां पे, जैसे लिख दिया 1 2 3 4 5, बेसिक से स्टार्ट करते हैं. अब इसका हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म. तो कैसे राइट करेंगे, x such as x is equal to n. अब इस n को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ये सारे एलिमेंट्स आने चाहिए इस तरीके से, इस n को डिफाइन करेंगे. तो हमने बोला कि n क्या है, नेचुरल नंबर है. अभी नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5. फिर क्या इसमें 6 है, तो 6 इसका एलिमेंट नहीं है, यानी इसको हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा. तो इसको हमें कहां पे रोकना पड़ेगा, कि जो ये n है ये लेस देन 6 है. क्लोज कर दिया, जरूरी क्लोज करना. सिर्फ हम ये कंडीशन लेते तो ये बताता कि 1 से ये बताता कि 6 से लेस देन जितने भी डिजिट है वो सारे एलिमेंट्स इसके होंगे. और सिर्फ हम ये लेते तो 1 से अप टू इंफिनिटी तक जितने एलिमेंट्स है वो सारे इस सेट के एलिमेंट है. तो दोनों को हम सिंगल लेंगे तो गलत हो जाएगा, दोनों को हमें साथ में लेना पड़ेगा. क्लियर है? नाउ वी मूव टू सेकंड क्वेश्चन. ए इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18. 3 के टेबल में आते हैं सभी, तो हमें टेबलर फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म इसका निकालना है. तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे निकालेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 3 के टेबल में है यानी 3 का मल्टीपल है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं 3n. अब n की ऐसी वैल्यू लेना है कि सारे एलिमेंट मिलना चाहिए. तो n की वैल्यू 1 लेंगे तब 3 मिलेगा, n की वैल्यू 2 लेंगे जब 6 मिलेगा, n की वैल्यू 3 लेंगे तब 9 मिलेगा. इस तरीके से हमें 18 तक जाना है, यानी n की वैल्यू 6 तक लेनी है. तो n स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, तो इसको नेचुरल नंबर ले लेते हैं. और n कहां पे करना है, या तो अपन 6 पे एंड कर दो, इसको दो तरीके से ले सकते हो, n लेस देन r इक्वल टू 6 या फिर n लेस देन 7, क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. तो 6 टू 7 के बीच में जो पॉइंट के या डेसिमल के नंबर्स आते हैं वो इसमें नहीं आएंगे. क्लियर? इज देयर एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. और सेकेंड हम ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 2 5 8 11 14 17. तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, इसका भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है. तो हमें कभी किसी केस में या तो पैटर्न फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा कि ये पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है. तो ये 2 की टेबल में सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसको रीराइट में करो तो 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 5, यानी इस तरीके से ये एलिमेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है. अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो इसको लिखूंगा x such that x is equal to 2 to the power n. अब इस n को डिफाइन करना है, तो अगेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू का है, ये जो साइन मैंने बनाया है ये छोटे e जैसा बनेगा, ये साइन है बिलोंग्स टू का, यानी ये n इस नेचुरल नंबर का एलिमेंट है. और साथ में क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, n लेस देन 6. ये कंप्लीट हो गया. सेकंड वाले केस में देखो, एपी का केस बन रहा है, तो जो क्लास 10th में एपी पढ़कर आया है वो इसका nth टर्म अच्छे से राइट डाउन कर देगा, क्योंकि यहां पे फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 2 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 3 है. तो nth टर्म हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इनटू d. फर्स्ट टर्म 2 है, n को n ही रहने देंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 1. तो राइट करेंगे x such that x is equal to 3n minus 1 where n belongs to natural number and n limited to or less than, यहां पे हमें क्या रखना पड़ेगा 6, तो 3 multiplied by 6 minus 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा. क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? दोनों क्वेश्चंस ये लॉजिक्स आपको बनाने पड़ेंगे कि आपको जब टेबलर फॉर्म में दिया रहेगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा. और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप बुक रिफर कर सकते हो, एनसीईआरटी से कर सकते हो या फिर आरडी शर्मा से कर सकते हो. अब हम देखेंगे कि जब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा तो उसे टेबलर फॉर्म कैसे बनाएंगे. सेट ए है हमारे पास, x such that x is equal to 3n and this n belongs to
नेचुरल नंबर या होल नंबर से बिलोंग कर देते हैं हम, और साथ में ये एन की वैल्यू लिमिटेड कर देते हैं सिक्स तक, लेस देन सिक्स तक। बी एक एलिमेंट लेते हैं एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू एन प्लस वन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन लेस देन आर इक्वल टू फाइव। दोनों केस ले लिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसको हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है, उसको थोड़ा सॉल्व करके लिखना है। जैसे आप एन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है यहां से, एन की वैल्यू आपको मिल रही है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, और एक्स है आपके पास थ्री टू दी पावर एन। तो जब आप एन की वैल्यू को जीरो रखोगे तो एक्स कितना मिलेगा, तो उस केस में आपको एक्स मिल जाएगा थ्री टू दी पावर जीरो यानी वन। जब एन वन होगा तो एक्स कितना मिल जाएगा थ्री, जब एन टू होगा तो एक्स कितना मिल जाएगा थ्री स्क्वायर यानी नाइन, जब एन थ्री होगा तो एक्स कितना मिल जाएगा थ्री क्यूब यानी ट्वेंटी सेवन, जब एन फोर होगा तो एक्स कितना मिल जाएगा थ्री टू दी पावर फोर यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एटी वन, और जब एन की वैल्यू फाइव होगी तो एक्स होगा थ्री टू दी पावर फाइव यानी टू फोर्टी थ्री। तो ये सारे एलिमेंट को हम लिस्ट कर देंगे यहां पर, मैं सही लिख देता हूं ए इज इक्वल टू वन थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन एटी वन टू फोर थ्री। क्लियर है, क्लियर है कैसे बनेगा सेट, यानी इसको थोड़ा हमें डिस्क्राइब करके लिखना है। रफ कर देता हूं इसको, ठीक है। अब इसको हम वैसे ही करते हैं, इसको भी रफ कर देता हूं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, किसी को स्पीड कम लग रही है तो वो बढ़ा कर देख सकता है, किसी को ज्यादा लग रही है तो वो स्पीड कम करके देख सकता है। प्ले स्पीड में ऑप्शन होता है कम करने का भी और बढ़ाने का भी। अब यहां पर हम देखें तो n की वैल्यू हम सबसे पहले n की वैल्यू हमें क्या मिल सकती है, नेचुरल नंबर है यानी 1 से स्टार्ट होगा, चलते चलो बढ़ते चलो जब तक एंड पॉइंट नहीं आता, तो एंड पॉइंट कितना आएगा 5, यानी हमें n की वैल्यू 1 रखनी है, तब x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 1 बाय 3। जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो x की वैल्यू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 1 बाय 5। जब n की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 7। जब n की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू मिलेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 9। जब n की वैल्यू 5 हम लेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 11। तो ये सारे एलिमेंट इस सेट के को बिलोंग करेंगे, तो हमारे पास एलिमेंट इन लिस्ट कर देते हैं 1 बाय 5 1 अपॉन 3 1 बाय 5 1 अपॉन 7 1 अपॉन 9 एंड 1 अपॉन 11 दैट्स सेट। तो ये हमने देखा कि टेबलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म से टेबलर फॉर्म कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि जब कोई एलिमेंट्स होता है तो उसको बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है, इसके बारे में इसके और क्वेश्चंस बनेंगे। आप एनसी बुक आरटी बुक रिफर करें जहां पे आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक क्लास में करवा पाना इट इज डिफिकल्ट फॉर मी इफ यू आस्क मी। तो हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ सेट की, उससे पहले एलिमेंट्स के बारे में। जैसे कोई सेट है हमारे पास, अब आपको पता लग गया है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो कॉमा से सेपरेटेड होंगे वो इसके एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे तो वो हम इसे बताएंगे। ये बिलोंग्स टू साइन से, कौन से साइन से, बिलोंग्स टू साइन से। अगर होगा तो बिलोंग्स टू, अगर नहीं होगा तो बिलोंग्स टू को ऐसे क्रॉस कर देंगे नॉट बिलोंग्स टू। यहां पे जैसे मैंने लिखा टू बिलोंग्स टू सेट ए, तो क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, और यहां मैंने लिखा फोर डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। पहला फर्स्ट वाला बताऊं तो फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट है, सेकेंड वाला भी करेक्ट है, और अगर ये बोला कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए तो ये तो 5 का एलिमेंट है, और आप बोल रहे हो कि ये बिलोंग नहीं करता है तो ये हो जाएगा गलत, तो इट इज रॉन्ग। क्लियर है एलिमेंट्स है या नहीं है कैसे बताओगे, ये बिलोंग्स टू साइन से आप बताओगे, है ना। हमने सिर्फ एलिमेंट को लिया, यहां पे कोई ब्रैकेट को यूज नहीं किया है, उसका आगे और यूज है, तो इसका सिग्निफिकेंस है ब्रैकेट लगाने का भी और कॉमा से सेपरेट करने का भी। क्लियर, क्लियर। यहीं से एक और अच्छी
अच्छा टॉपिक मुझे पता चला कि जैसे मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म है x as date, x is collection of letters of paramount, letters of what word we can use, kasravat. तो देखो यहां पे ये वर्ड इसलिए बताना जरूरी है, और कोई सा भी वर्ड हम ले सकते थे, लेकिन यहां पे इसलिए बताना जरूरी है कि सेट में किसी एलिमेंट का रिपीटेशन चाहे 100,000 बार हो जाए या 100 टाइम्स हो जाए तो भी हमें उसे एक ही बार लिखना है। तो यहां पे आप जैसे देखोगे तो सबसे पहले हम इस के लेटर को लिख देंगे, कॉमा से सेपरेट करके ए को लिखेंगे, फिर एस को लिखेंगे, फिर आर को लिखेंगे, फिर ए को हम लिख चुके हैं, फिर डब्ल्यू को लिखेंगे, फिर ए को हम लिख चुके हैं, देन डी को लिखेंगे। तो ये सिर्फ हमारे पास इसका टेबुलर फॉर्म होगा। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? चलो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला सेट जो होगा सिंगलटन सेट हो जाएगा, फिर नल सेट हो जाएगा, फिर फाइनाइट सेट हो जाएगा, फिर इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। देखो नाम से इन सभी की डेफिनेशन निकलेगी, नाम से इन सभी की डेफिनेशन हम बोल पाएंगे। जैसे सिंगलटन सेट में आपको समझ में आ रहा होगा, सिंगलटन यानी ऐसे ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। एंड नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उस सेट को हम बोलेंगे नल सेट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ ओड नंबर विच इज डिवाइडेड बाय टू। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है कि ओड नंबर है और टू से डिविजिबल हो जाए। फिर हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, ऐसे सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल जैसे अभी हम जो एग्जाम्पल देख रहे थे तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स को हम बोल सकते हैं फाइनाइट सेट है, लेकिन कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, ये सारे जो सेट्स होंगे ये किसके एग्जाम्पल होंगे? इनफाइनाइट सेट के। क्लियर है? तो सिंगलटन सेट में सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा, ओनली वन, नो एलिमेंट, फाइनाइट एलिमेंट या काउंटेबल एलिमेंट्स, इनफाइनाइट यानी अनकाउंटेबल। क्लियर? इसमें नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, ये सारे सेट्स के एग्जांपल हो जाएंगे इनफाइनाइट सेट के। फाइनाइट सेट में कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स हो जाएगा। नल सेट, नल सेट को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके एक दो नाम और हैं। नल सेट को हम वॉइड सेट भी बोलेंगे या फिर एम्प्टी सेट भी बोलेंगे। इसके तीन नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसको रिप्रेजेंट हम फाई से करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फाई, या फिर एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट सेट, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नल सेट को। ठीक है? क्लियर है? टाइप्स ऑफ सेट, इसके भी एग्जांपल्स आप देख लेना, क्वेश्चन आएगा, कोई सा सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा जिसका आप रोस्टर फॉर्म लिख लोगे, रोस्टर फॉर्म लिखने के बाद आप बता पाओगे कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा सेट होगा। क्लियर है? ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, हम बात करते हैं यहां पे सबसेट्स की। सबसेट्स इसलिए पढ़ना जरूरी है, जैसे मैंने बात की थी प्लेनेट की और अर्थ की, तो अर्थ एक छोटा पार्ट होता है उस प्लेनेट का, तो जो अर्थ है वो सबसेट है और प्लेनेट क्या है? उसका यूनिवर्सल या पेरेंट सेट है। तो सेट के जो भी सबसेट होंगे यानी उससे जो छोटे सेट्स होंगे उन सभी को हम बोलेंगे कि वो क्या है? सबसेट्स है। तो जैसे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है तो इसके सबसेट क्या होंगे? तो इसके जो सबसेट होंगे एक तो फाइव होगा और सेकेंड वही एलिमेंट होगा। और जब हमारे पास दो एलिमेंट होंगे तो उसके सबसेट क्या होंगे? तो एक फाइव होगा, वन होगा, टू होगा, यानी दोनों को सेपरेट करके हम कर्ली ब्रैकेट में लिख दो और फिर इन दोनों एलिमेंट्स को साथ में लिख दो। तो इस तरीके से यहां पे जो एलिमेंट लिस्ट होंगे ये सबसेट के एलिमेंट्स होंगे। तो
जब हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं सेट पे तो उसके सबसेट कितने होंगे? फोर होंगे। जब हमारे पास थ्री एलिमेंट्स होंगे तो उसके सबसेट कितने होंगे? एट होंगे। कैसे होंगे मैं आपको बताता हूं। फाइव तो होता ही होता है सभी सेट्स का सबसेट, फिर वन होगा, टू होगा और फिर थ्री होगा। फिर हम कॉम्बिनेशन में लेंगे वन टू, टू थ्री एंड देन वन थ्री, फिर हम तीनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारे पास एट सेट आ गए हैं। और इसका फॉर्मूला भी होता है कैलकुलेट करने का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? टू टू द पावर एन, जहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जितने एलिमेंट्स होंगे वो करते जाएंगे। जैसे आप देखो यहां पे टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, तो यहां पे टू एलिमेंट्स हैं। टू की पावर टू, तो यहां पे फोर सबसेट हैं। टू की पावर थ्री, तो यहां पे एट हैं। ऐसे अगर फोर एलिमेंट्स होंगे तो उसके सिक्सटीन होंगे। क्लियर है? और इन सबसेट्स का एक कलेक्शन हमने जब ले लिया तो उस सेट को क्या कहेंगे? तो इन सबसेट का जब हमने कलेक्शन लिया तो इस एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो उसको हम कहेंगे पावर सेट। तो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। अगेन आई रिपीट, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो एलिमेंट्स को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? पावर सेट बन जाएगा। तो इस पावर सेट की मैं बात करूं, जैसे ये पावर सेट है, ठीक है, तो ये मैं कर्ली ब्रैकेट वन की बात करूं तो ये इसका एलिमेंट होगा, ये इसका एलिमेंट होगा। क्लियर? क्लियर है? ये कॉमा से जो भी सेपरेटेड है उसके एलिमेंट्स होंगे। और यहां पे एक और चीज मुझे याद आई है, प्रॉपर सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट हम उस सबसेट्स को कह रहे हैं जिसमें हम वो जो सेट्स गिवन होता है उसको सबसेट पे काउंट नहीं करते हैं। तो जब हम उसको हटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास जो आएंगे वो इस टोटल में से वन माइनस करना पड़ेगा। तो इस टू के केस में वन हो जाएगा, इसके केस में थ्री हो जाएगा, इसके केस में सेवन हो जाएगा। और जब फोर एलिमेंट होंगे तो टू की पावर फोर सिक्सटीन, और प्रॉपर सबसेट की अगर बात करें तो 15 हो जाएंगे। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर डाउट। क्लियर? अब सेट्स के बाद हम बात करते हैं इंटरवल्स की। तो इंटरवल्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले ओपन इंटरवल होता है, फिर क्लोज इंटरवल होता है, फिर सेमी ओपन होता है, फिर सेमी क्लोज होता है। तो ये फोर टाइप्स के इंटरवल होते हैं, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ओपन इंटरवल एंड फोर्थ वन क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल को कैसे लिखेंगे? ओपन का मतलब स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज का मतलब बिग ब्रैकेट। तो जैसे वन कॉमा टू है और क्लोज में 1.2 है, एक ही हम एग्जांपल लेते हैं तो उसे अच्छे से समझ में आएगा। सेमी क्लोज यानी पहले वाला क्लोज रहेगा, सेकंड वाला ओपन। सेमी ओपन यानी फर्स्ट वाला ओपन रहेगा, सेकंड वाला क्लोज। इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखते हैं। तो x कोई एलिमेंट है, ये ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन आर इक्वल टू 2 है। और इसको जब हम लिखेंगे तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है एंड लेस देन 2 होगा। यानी जहां पे क्लोज ब्रैकेट आ रहा है वहां पे इनइक्वालिटी और उसके नीचे ये साइन आ रहा है। ये क्या है हमारे पास? इनइक्वालिटी, जो ग्रेटर देन लेस देन के साइन होते हैं। जिधर इसका माउथ ओपन होता है उधर ग्रेटर देन, जिधर माउथ क्लोज होता है उधर लेस देन। यहां पर हम लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन वन एंड लेस देन टू, यहां पर लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन एंड लेस देन आर इक्वल टू टू। इसको सो अगर डायग्राम में करना है तो वन पे ओपन रहेगा और टू पे डार्क सर्कल रहेगा, यहां पे वन पे क्लोज रहेगा और टू पे ओपन रहेगा, यहां पे वन और टू दोनों पे ओपन रहेगा, यहां पे वन पे भी डार्क सर्कल, टू पे भी डार्क सर्कल। क्लियर है? Is there any doubt in this section? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करते आना चाहिए। Till now we have covered description of sets, which is roster form and set builder form. Types of set, null set, singleton set, finite set, infinite set, and intervals. सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। साथ में हमने देखा सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं।
तो इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, जल्द ही मिलेंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग. स्टे फोकस्ड एंड स्टे क्यूरियस फॉर द सब्जेक्ट. थैंक यू.